सिंचन आज तो भाई इस गाड़ी में घूम के मजा ही आ गया। अरे फ्रैंकल पे इतनी एक्सपेंसिव कार है यार, घूम के मजा नहीं आएगा तो और क्या ही आएगा। देख रहा है सिंचन इस गाड़ी पे यार गोल्ड और ब्लू कॉम्बिनेशन में पेंट हो रखा है, क्या ओपी लग रही है सिंचन ये कार। अब बात सब खुले, मेरे को तो बात सब खुले बहुत ही मजा आ रहा है गाड़ी के ऊपर बैठ के। अरे हाँ चप यार, तुझे तो हम हमेशा गाड़ी के ऊपर ही बिठाते है, क्योंकि सिंचन इस गाड़ी के अंदर भाई सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते ना, इसलिए सिंचन हमने इसको गाड़ी के ऊपर ही बिठा दिया। और फ्रैंकल पे वैसे भी ये गाड़ी में बैठ नहीं सकता। वैसे सिंचन एक बात तो है सिंचन, जब से भाई मैंने सिमियोन के शोरूम में सिंचन काम करना स्टार्ट करे ना, जब से सिंचन उसकी गाड़ी मस्त करके सिंचन चलाने को मिल जाती है, वही तो जो भी साइमन भैया के शोरूम पे नई नई गाड़ी आती है ना उसको हम टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाते हैं और मस्त चलाते हैं। ले सिंचन पहुंच गए भाई सिमियोन के शोरूम में। अब बात सब खुले, ये बात सब ये जो तेरा सिमियोन है बात सब ये मुझसे चिढ़ता बहुत है। अरे क्योंकि एक बार तुमने यार इसके पैर पे काट लिया था ना। अब बात सब सिंचन वो तो ये मेरे से फालतू बोला था इसलिए पैर को उधेड़ दिया इसके। अरे फ्रैंकल कैसा एक्सपीरियंस था भाई, अभी अभी तूने मेरी नई कार की भाई टेस्ट ड्राइव ली। अब सिमियोन ये कार भाई काफी मस्त है, वैसे कितने की बिकेगा तू इसको। अरे फ्रैंकल पूछ मत, पूरी की पूरी भाई 17 करोड़ की बिकूंगा इस कार को। अच्छा 17 करोड़ की। वैसे एक बात बता साइमन भाई, ये जो तेरी कार है ये हकीकत में यार गोल्ड के अंदर कन्वर्ट है क्या? अरे नहीं फ्रैंकल भाई, ये जो कार है ना भाई ये भाई पेंट हो रखा है गोल्ड वाला, इस पे पेंट हो रखा है और आधा ब्लू कलर का पेंट हो रखा है। अच्छा बढ़िया बात है ये तो साइमन। और फ्रैंकल तू मेरे को साइमन नहीं भाई सिमियन बोले कर। अरे पर तेरा नाम तो साइमन है ना। अरे मेरे दो नाम, एक सिमियन और एक साइमन, अब तेरे को जो पसंद तू वो बोल। और हाँ फ्रैंकल एक ऑर्डर आया भाई अभी अभी, एक काफी अमीर बंदे ने दो गाड़ी ऑर्डर करी है जिनको भाई तुझे डिलीवर करके आना ही पड़ेगा। अरे भाई ये हुई ना बात, चले फ्रैंकल भाई एक और कार चलाने को मिलेगी। बढ़िया सिंचन, मैं तो सोच रहा था सिंचन भाई हम मस्त करके सिंचन इसके ऑफिस में बैठेंगे, लेकिन सिंचन अब तो यार कार को डिलीवर करने के लिए जाना है। तो सिमियन ये बता भाई कौन सा घर है? फ्रैंकल वो भाई काफी लग्जरी घर है समझ रहा, काफी अमीर घर है, तो भाई अंदर जाने से पहले ना परमिशन ले लिया बॉडी गार्डो की। हाँ भाई ले लूंगा। अरे फ्रैंकल भाई मजा आएगा यार कोई अमीर घर में जाने को मिलेगा। बढ़िया सिंचन, लेकिन साइमन ये तो बता भाई आखिरकार कौन सी कार है वो तेरी? फ्रैंकल मैं तेरे को बता दो, जो पीछे तू कार देख रहा है, पीछे नहीं भाई आगे, हाँ आगे, ये जो तू कार देख रहा है ब्लू कलर की, ये वाली क्या? अरे इससे आगे वाली। अच्छा ये वाली कार, हाँ फ्रैंकल एक तो इसका ऑर्डर है और एक भाई ये ऑरेंज कलर की जो तू कार देख रहा है इसका ऑर्डर है। अच्छा भाई इस कार का भी ऑर्डर है क्या? हाँ और उसी घर से ये दो कार ऑर्डर हुई है, तुझे ये दोनों कार डिलीवर करके आनी है। तो उसके लिए तो भाई अब मेरे को एक ट्रक की जरूरत पड़ेगी जिसमें भाई ये दोनों की दोनों कार आ जाए। नहीं 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 फ्रैंकल ट्रक व्रक नहीं चाहिए भाई, उसने बोला है बंदा खुद चला के लाएगा कारों को, लेकिन भाई मैं कैसे चला लूं दोनों कारों को एक साथ? अरे हाँ फ्रैंकल भाई तो गड़बड़ है यार। अब बात सब मैं कह रहा हूँ, बात सब एक कार सिंचन चला लेगा, बात सब एक काम कर लुए तू चला लेगा। अब चौप के बच्चे काम चला लेगा या फिर कार चला लेगा? अब बात सब खुले, मेरा मतलब यही बात सब कार चला लेगा। हाँ तो ठीक है सिमियन तू टेंशन मत ले भाई, एक एक करके मैं दोनों कार को डिलीवर करके आ जाऊंगा आज की आज ही। ठीक है फ्रैंकल, याद रखियो कोई दिक्कत परेशानी आनी नहीं चाहिए, काफी अमीर घर है। हाँ भाई कितनी बार ही बताएगा, वैसे भी तेरे पास इतनी महंगी महंगी कार है इनको भाई कोई अमीर बंदा ही खरीद सकता है। अरे फ्रैंकल भाई चले फिर, रुक सिंचन इससे फटाफट से घर की लोकेशन पूछ लेता हूँ और साथ साथ में ये भी पूछ लेता हूँ कितने पैसे देगा। चल सिंचन घर का एड्रेस तो मेरे को मिल चुका है और सबसे पहले चलेंगे गाइस अपनी इस वाली कार को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि गाइस इसकी एक खास बात है, ये चेक करो गाइस इस कार का भाई कलर चेंज होता है और गाइस ये सच में काफी एक्सपेंसिव कार है। अरे वाह फ्रैंकल भाई ये कार तो सच में काफी ओपी लग रही है। जब तो सिंचन सबसे पहले मैंने इसे चूज करा है भाई डिलीवर करने के लिए, लेट्स गो निकलते हैं सिंचन भाई इतनी ओपी कार को भाई डिलीवर करने के लिए। वैसे सिंचन कुछ भी कहे, जिस भी बंदे ने सिंचन ये कार बुक करी है ना सिंचन उसके तो मजे ही आ गए। और क्या यार इसकी कार तो कितनी मस्त लग रही है फ्रैंकल भाई, जितने लोग भी चल रहे हैं ना रोड पे सारे लोग हमारी कार को ही देख रहे होंगे। और क्या बात सब सिंचन, देखने रहा बात सब सिंचन इस कार का कलर चेंज हो रहा है। बढ़िया सिंचन RGB कार लग रही है भाई ये मेरे को फुल टू फुल। एक सेकंड सिंचन ये क्या हो गया? अरे लो ठोक दी फ्रैंकल भैया। अबे सिंचन भाई मेरे को देख के चलानी पड़ेगी आगे का कांच तो सिंचन गया। अबे बात सब को ले, अब क्या तू इसको भाई ऐसी देख के आएगा? एक सेकंड सिंचन भाई आगे का कांच तो ठीक हो गया। अरे सही बता, अबे सिंचन खुद देखना भाई। एक सेकंड गाइस सबसे पहले मैं खुद चेक करूं भाई, सच में सिंचन भाई कार का कांच तो भाई खुद ब खुद ही ठीक हो गया। अरे वाह फ्रैंकल भाई तो सच में काफी ओपी वाली कार है। बढ़िया सिंचन यही कार तो मुझे चाहिए, क्योंकि सिंचन तुझे तो पता है आधे से ज्यादा बार तो सिंचन मैं कार को ठोक ही देता हूँ। अरे तो फ्रैंकल भाई काम करो इस कार को ना ठोकते हुए चलो। सिंचन देखा अभी इसका कार का कांच टूटा तो सिंचन भाई कार का कांच ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अगर सिंचन ये कार ठुकी और इस पे स्क्रैच आ गए तो सिंचन स्क्रैच ऑटोमेटिक थोड़ा ना ठीक होंगे। सिंचन इस कार के अंदर भाई काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जब भी तो सिंचन भाई इसका कार ऑटोमेटिक ठीक हो गया। अरे फ्रैंकल भाई ऐसी कार तो यार हम भी डिजर्व करते हैं। हाँ सिंचन हम भी डिजर्व तो करते हैं, लेकिन सिंचन काफी महंगी कार है भाई ये, लगभग सिंचन होगी कितने की? अब बात सब को ले तो तुझे बात सब सिमियन से पूछना चाहिए था। हाँ चौप के बच्चे ये तो तू ठीक कर रहे, लेकिन तुझे पता है जो भी महंगी कार होती है ना तो भाई उसका रेट सिमियन का बच्चा बताता नहीं है। अरे तो क्या दिक्कत है फ्रैंकल भाई, जिसको तुम डिलीवर करने के लिए जा रहे हो ना इस कार को उसी बंदे से पूछ लेंगे आखिरकार उसने यार कितने में खरीदी ये कार। हाँ सिंचन ये तो तू सही कह रहा है। और गाइस जब तक हम अपनी लोकेशन पे पहुंच रहे ना, आप लोग गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे हाँ गाइस यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। और गाइस आज तो हम सच में काफी लग्जरी हाउस में जा रहे हैं फ्रेंकिल पे। सबसे पहले तो यार मैं ही जाऊंगा उस घर में। नहीं सिंचन, सबसे पहले मैं जाऊंगा क्योंकि सिंचन वो काफी ओपी करे ना। मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार सिंचन अंदर से कितना मस्त होगा। अब बात सबको ले, मुझे तो ऐसा लग रहा है बात सबको ले उसके घर का मालिक ना मेरे को अंदर घुसने नहीं देगा। अरे क्यों नहीं घुसने देगा, जब हम तीनों ही अंदर घुसेंगे। चल सिंचन सबसे पहले अपनी लोकेशन पे पहुंचते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे सिंचन के सबसे पहले घर के अंदर कौन ही जाएगा। गाइस आपको पता है जब भी हम सिमियन की भाई कोई भी कार को डिलीवर करने जाते हैं ना, तो गाइस हम भाई उस बंदे का पूरा घर ही चेक करके आ जाते हैं। मतलब गाइस उसके घर का पूरा इंटीरियर देख के आते हैं कि आखिरकार कितना मस्त घर बना रखा है, क्योंकि गाइस हम भी एक मस्त वाला घर बनवाएंगे। और भाई सबका घर का इंटीरियर देखते हैं और उसके बाद उनके जैसा घर बनवा देंगे हम भी, उनसे भी अच्छा। तो गाइस अभी हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं सिंचन, घर भाई आई थिंक यही कहीं पे होना चाहिए। अरे फ्रेंकिल पे एड्रेस तो यही कहीं का ना। एक सेकंड सिंचन, ये तो रहा भाई, ये तो सिंचन काफी लग्जरी हाउस लग रहा है। अरे चलो फिर चलते हैं अंदर। रुक सिंचन, पहले भाई परमिशन लेके आनी होगी और सिंचन उनको बताना होगा कि भाई हम आपकी गाड़ी लेके आए। डायरेक्ट सिंचन गाड़ी को अंदर डाल नहीं सकते। अब बात सब बोले चलो तीनों चलते हैं। ओए चाप के बच्चे तू यहीं रुक भाई, अगर ये गाड़ी चोरी होगी ना तो भाई सिमियन को फिर हम क्या ही जवाब देंगे। अरे फिर तो यार सिमियन भैया फ्रेंकिल पे हमसे बहुत पैसे ले लेंगे। वही तो सिंचन, वैसे भी काफी महंगी गाड़ी है और सिंचन अंदर तो काफी ओपी ओपी कार खड़ी है। अरे फ्रेंकिल पे इतनी भी मस्त नहीं है जितनी मस्त तुम बोल रहे हो। हाँ सिंचन पर कार तो है ना। आ सिंचन अंदर चलते हैं। बढ़िया गाइस घर तो काफी लग्जरी लग रहा है। और भाई अंदर से सिंचन इसका इंटीरियर देख। वैसे सिंचन ज्यादा हल्ला मत मचियो भाई, एकदम प्यार से यार आराम से घर देखता रहे। बढ़िया गाइस यहाँ पे भाई मस्त सोफे लगा रखे हैं और ऊपर की तरफ टीवी है जो कि गाइस काफी बड़ी है। फ्रेंकिल भैया जब हमारा नया घर बनेगा ना इससे भी बड़ी टीवी लगाएंगे हमारे घर में। ये शायद गाइस इनका चेला है जो कि भाई यहाँ पे खाना वाना बनाता है। और चेले क्या हाल है तेरे, देर से ही बात कर रहा हूँ भाई। अरे सर आपसे अभी मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि अभी अभी जस्ट चाय बनाने को बोला है मेरे को। अच्छा चाय बना, फिर मेरे लिए बना दियो और सिंचन चॉप के लिए भी बनाई दियो। और गाइस यहाँ पर ये क्या चीज है भाई, गाइस यहाँ से लकड़ी का वो बना रखा है गाइस इन्होंने पुल, जो कि हम उस साइड से इस साइड आ सकते हैं। और ये स्विमिंग पूल है क्या, पता नहीं गाइस क्या ये यार। मेरे को एक तो गाइस अमीर लोगों को समझ नहीं आता भाई ये कितना कुछ बना लेते हैं। और गाइस घर के अंदर ये हेलीकॉप्टर भी खड़ा है जो कि काफी प्यारा लग रहा है। ये गाइस पक्का घर का मालिक होगा। हेलो सर, मैं क्या कह रहा था, मैं आपकी गाड़ी लेके आ गया। क्या लेके आ गया बच्चे? सर गाड़ी आपने ऑर्डर करी थी ना। गाड़ी? अरे भैया हम तो ड्राइवर है भैया। ड्राइवर? क्या आप ड्राइवर हो? हाँ जी, ये हेलीकॉप्टर को हम ही ड्राइव करते हैं और हमारे बॉस को कहीं भी जाना होता है तो हम उनको उस साइड लेके जाते हैं हेलीकॉप्टर से। वैसे सर अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं। पूछो ना बच्चे पूछो। वैसे उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा कि तुम हो कौन? अरे भाई मैं ना उनकी एक गाड़ी लेके आया हूँ। अच्छा डिलीवरी बॉय वाले हो तुम, ये बताओ तुम कितना कमा लेते हो? पहले सर आप बताओ आप कितना कमाते हो? मैं तो बच्चे कमा लेता हूँ महीने के 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख रुपए, वो भी बस इस हेलीकॉप्टर को उड़ा के? हाँ जी हेलीकॉप्टर को उड़ाते हो और 20 लाख कमाते हो। मतलब भाई ये जिसका भी घर है गाइस वो काफी अमीर है। तो लेट्स गो गाइस, निकलते हैं नीचे की तरफ और भाई बॉस को ढूंढते हैं आखिरकार इस घर का मालिक कहाँ है। उससे पहले गाइस मैं एक बार पूरे घर को चेक कर लूं, लेकिन ये सिंचन कहाँ गया? लगता है गाइस सिंचन का बच्चा ना अकेले पहुंच गया इस घर को देखने के लिए। चलो ठीक है गाइस सिंचन को भी देखने दो और मैं भी देख लेता हूँ। ये डोर तो बंद हो रखा है और नीचे चलते हैं भाई। और गाइस यहाँ पर इन्होंने छोटा सा हॉल बना रखा है। छोटा तो नहीं गाइस, इतना बड़ा तो भाई मेरा खुद घर ही है और इनका गाइस इतना हॉल है। और आगे की साइड जाएंगे तो यहाँ पर भी गाइस छोटा सा हॉल है जहाँ पर गाइस मस्त सोफे बैठ के हम टीवी देख सकते हैं। टीवी भी काफी बढ़िया। और ये क्या है, ये वॉल कैसी? एक सेकंड भाई ये वॉल नहीं है, मैं गाइस इसको वॉल समझ रहा था, लेकिन भाई ये तो ऑटोमेटिक गेट है और गेट के पीछे है गाइस यहाँ पे अपना छोटा सा बाथरूम। बढ़िया गाइस क्या ओपी है यार, मजा ही आया गाइस। काश ये मेरा घर होता। एक सेकंड ये क्या चीज है भाई, रुको गाइस चेक करते हैं। अबे ये कहाँ आ गया भाई मैं? लगता है गाइस मैं बेसमेंट के अंदर आ गया। और भाई बेसमेंट ऊपर आ गया क्या मैं दोबारा से गाइस यहाँ पे एरो की तरफ जाना है। लो भाई दोबारा से नीचे आ गया। और गाइस ये है बेसमेंट के अंदर भाई इस बंदे का गैराज जिसके अंदर काफी सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई है। एक सेकंड भाई ये सामने की तरफ मेरे को क्या दिखाई दे रहा है भाई, सच में ये पैसा पड़ा हुआ है क्या? एक सेकंड भाई ये तो सच में काफी सारा पैसा है। और गाइस टेबल पे ही नहीं भाई, नीचे भी पैसा पड़ा है और यहाँ पर भी देखो भाई यहाँ पर भी काफी पैसा। और गाइस यहाँ से तो भाई आसानी से कोई भी चोरी कर सकता है और चोरी करके गाइस मैं ना बड़े प्यार से भाग भी सकता हूँ। और भाई यहाँ पर कोई नहीं है, इसका मतलब गाइस ये सच में काफी अमीर बंदा है जिसको गाइस पैसों की वैल्यू ही नहीं पता। चेक करो खुद ही भाई, पैसा इतना सारा ऑटोमेटिक यहीं पड़ा है। और साथ में गाइस काफी सारी गन भी रखी हुई है, इसका मतलब गाइस ये बंदा ना कोई बिजनेसमैन है जो कि कोई काफी बड़ा बिजनेस कर रहा है। एक बार गाइस बस उस बंदे से मुलाकात हो जाए ना, फटाफट से उसकी गाड़ी उसको देता हूँ, उसके बाद गाइस उससे पूछता हूँ आखिरकार कौन सा बिजनेस कर रहा है भाई। चलो अपने बंकर से मैं बाहर आ गया, बॉस ने सही बंकर बनवा रखा है। झाड़ियों में जाओ और गेट खोल के सीधे नीचे बेसमेंट में चले जाओ अपने बंकर के अंदर। अब चलता हूँ फटाफट से, बॉस ने बोला है पूरे 3 करोड़ रुपए लेके आने बंकर के अंदर। चलता हूँ 3 करोड़। अरे कौन है, कौन है तू, है कौन? अरे भाई आराम से, भाई आराम से, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा। है कौन तू ये बता पहले, तुझे क्या लगता है तू यहाँ आ गया बस आसानी से जा पाएगा? जाने नहीं दूंगा बेटे,
तुझे। अरे भाई क्यों चिल्ला रहा है, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, तुम्हारे बॉस ने भाई कार ऑर्डर करी थी। अच्छा कार ऑर्डर करी थी, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गया, तुझे तो बाहर होना था ना। अरे भाई तू इतना घबरा क्यों रहा है, मैं तेरे घर पे चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, और एक सेकंड तू इस घर का मेरे को मालिक भी नहीं लग रहा। अरे मालिक नहीं हूँ, मालिक का चेला हूँ, समझ रहे, मैनेजर हूँ मैं इस घर का। अच्छा तू मैनेजर है, तो भाई मैं तेरे घर पे चोरी नहीं कर रहा, मैं तेरे को पहले ही बता दूँ। हाँ चोरी नहीं कर रहा, वो तो यहाँ पे एक बंदा बैठा है, वरना तो तुझे डायरेक्ट अभी पुलिस के हवाले कर देता। हाँ भाई जब मैं लेकिन मैं आया था यहाँ पे कोई बंदा नहीं था। क्या बोला? अरे कुछ नहीं बोला भाई, तू आ तेरे को फटाफट से गाड़ी दे दूँ, उसके बाद मैं निकलता हूँ गाइस इस घर से, और सिंचन का बच्चा भी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। अरे और हाँ मेरी बात सुन, घर में दोबारा आने की कोशिश मत करियो। अबे भाई नहीं आ रहा तेरे घर में। गाइस ये पहला ऐसा घर है जिसके अंदर गाइस मैं घुसा और किसी ने भाई मेरे को डांटा। वैसे कोई टेंशन की बात नहीं गाइस, अभी पहले मैं पूरे घर को एक बार चेक करूंगा आखिरकार घर है क्या। ये है गाइस कोई एक बढ़िया सा रूम इस घर का, यहाँ पर बेड रखा हुआ है, और यहाँ पर गाइस कोई बैठा भी हुआ है, मस्त बड़ी टीवी लगी हुई है सामने। अच्छा घर है भाई, अच्छा इससे भी अच्छा घर बनवाऊंगा, लेकिन मैं और इस वाले रूम में, एक सेकंड यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है भाई। अरे यार ये फ्रैंकल भैया कहाँ चली गई गाइस, पूरा घर मैंने ढूंढ लिया लेकिन फ्रैंकल भैया मेरे को कहीं दिखी नहीं रही। गाइस आपको पता है यार, बाहर ना तो चौप है और ना ही वो गाड़ी है गाइस जो हम गाड़ी लेके आए थे इस घर में देने के लिए, पता नहीं कहाँ चले गए फ्रैंकल भैया। इस अंकल से पूछता हूँ, अंकल आपने फ्रैंकल भैया देखे? अंकल अरे बच्चे कौन है तू, किसको पूछ रहा है? अरे अंकल फ्रैंकल भैया। कौन फ्रैंकल भैया, मैं किसी भैया भैया को नहीं जानता। अरे अंकल तुम हो चुके हो पागल। अरे फ्रैंकल भैया कहाँ हो, लगता है गाइस मेरे को ढूंढना पड़ेगा पूरे घर में। वैसे गाइस एक बार तो मैं पूरा घर ढूंढ चुका हूँ लेकिन कहीं भी मुझे फ्रैंकल भैया दिखाई नहीं दिए, एक बार और ढूंढ लेता हूँ यार, क्या पता फ्रैंकल भैया मिले। अरे वाह फ्रैंकल भैया मिल गए। अबे सिंचन भाई तुझे पता है आधे से ज्यादा घर तो सिंचन मैंने देख लिया और काफी मस्त ही लग रहा है घर। अरे पर फ्रैंकल भैया सुनो मेरी बात, ना तो बाहर गाड़ी है ना ही चौप है। ओए सिंचन क्या कह रहा है तू? अरे सच कह रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ पता नहीं कहाँ गया चौप, और साथ में गाड़ी भी गायब होगी। सिंचन चौप को भाई गाड़ी चलानी तो आती नहीं, तो सिंचन गाड़ी कौन ले गया भाई? अबे नहीं सिंचन भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये तूने क्या ही बैड न्यूज सुना दी। सबसे पहले गाइस मेरे को निकलना होगा और एक बार चेक करता हूँ भाई अपनी गाड़ी है या फिर नहीं है, और गाइस अगर अपनी गाड़ी सच में चोरी हो गई होगी ना तो गाइस मैं गया भाई, फिर तो मैं सिमियन को उसके पैसे भाई चुका भी नहीं पाऊंगा। और लो भाई बाहर तो मैं आ चुका हूँ। अरे भाई चल जा, क्या ही बाइक है। एक सेकंड गाइस मैंने गाड़ी, हाँ गाइस यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी चौप के साथ, लेकिन ना यहाँ पे चौप है और ना ही भाई अपनी गाड़ी है, लेकिन गाड़ी गई तो गई कहाँ। एक काम करता हूँ गाइस, यहाँ पे जो कोई भी है ना उससे पूछता हूँ। अरे भाई एक बात बता, यहाँ पे एक सुपर कार थी, अबे कहाँ भाग रहा है? लुको गाइस यहाँ पर भी कुछ बंदे दिख रहे हैं। अरे भाई मेरे को एक बात बता, यहाँ पर एक सुपर कार थी, अबे ये भी भाग गए। लेकिन मैं पूछूं किससे भाई, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी गाइस मेरे को नजर नहीं आ रहे, होंगे भी कैसे गाइस, एक जंगल एरिया है और यहाँ पर भाई कोई खंभा भी नहीं दिख रहा मेरे को जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हो। तो अब मैं करूँ क्या भाई, एक बार यार चेक करके दिखता हूँ यहाँ पर ये जितने भी गाड़ियां, ये लॉक है या फिर अनलॉक है? बढ़िया यार, ये तो गाइस अनलॉक है और साथ में इनमें चाबी भी लगी हुई है। चलो गाइस निकलते हैं फटाफट से इस गाड़ी को लेके, क्योंकि गाइस अभी हमको अपनी गाड़ी भी तो ढूंढनी है और साथ में अपने चौप को भी ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं गाइस चौप का बच्चा कहां गया, चौप को गाइस हम छोड़ के गए थे ताकि भाई चौप गाड़ी का ध्यान रखे, और देखो गाइस चौप का बच्चा खुद ही गायब हो गया। फ्रैंकल भैया किधर है यार, मैंने देखा था यार फ्रैंकल भैया बाहर ही आए थे, ये खड़े। अबे अबे सिंचन के बच्चे क्या करेगा भाई, अरे जल्दी बैठो यार। अबे सिंचन ये गाड़ी किसकी लेके आ गया? अरे अंदर से लेके आया हूं, जैसे तुमने बाइक ली ना उस बंदे की, वैसे फ्रैंकल भैया मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी भी लेके आ गया। सिंचन पता नहीं किसी का ही घर है भाई ये, किसी को सिंचन भाई सामान की फिक्र ही नहीं है। देख रहा है सिंचन वहाँ पे पैसे भी भाई ऐसे पड़े हुए थे, और साथ के साथ सिंचन गाड़ियां भी अनलॉक है। देख सिंचन हम आराम से भाई घर के अंदर घुसे और प्यार से सिंचन बाइक और गाड़ी बाहर लेके आ गए, किसी को सिंचन पता ही नहीं लगा। अरे वो सब छोड़ो यार चौप का गया। अरे हाँ सिंचन ये चौप के बच्चे को ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं सिंचन कहाँ चले गया, कहीं ऐसा तो नहीं सिंचन चौप के पास कोई आया हो, उसने बोला हो सिंचन कि एक बार गाड़ी चलाने को दिखा रहे, तो सिंचन अपने चौप ने बोल दिया कि चला ले, और चौप भी सिंचन गाड़ी के ऊपर बैठा हो, और फिर सिंचन वो गाड़ी कहीं ले गया हो। अरे पता नहीं यार, वो तो वहीं जाके पता लेगा ना, कहाँ जाके पता लेगा। अरे हाँ यार ये भी तो बात है, अब हम जाकर है। अबे सिंचन हमको गाड़ी के बारे में कुछ पता नहीं, तो सिंचन हम जाए तो जाए कहाँ, कुछ तो करना पड़ेगा। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और उनको यार इन्फॉर्म कर देते हैं कि यार हमारी ने काफी लग्जरी कार चोरी होगी। सिंचन मेरे को तो काफी डर लग रहा है, सिंचन ऐसा मत बोल के वो चोरी होगी, ये सोच के सिंचन चौप भाई मस्त उससे कहीं घूमने के लिए गया है। अरे सोचो अगर चोरी हो गई होगी तो। एक सेकंड, अब ये किसका कॉल आ रहा है सिंचन, ये तो अननोन नंबर है भाई। अरे पिक कर लिया मेरा कॉल, अब मेरी बात ध्यान से सुन फ्रैंकल, तेरा चौप और तेरी गाड़ी मेरे कब्जे में है, देख मेरी बिल्कुल बात को टालियो मत, तेरी गाड़ी मेरे पास है और तेरा चौप भी, अगर अपने चौप को तू बचाना चाहता है तो लेके आ मेरे पास पूरे 20 लाख रुपए, और ले जा अपने चौप को और साथ में इस गाड़ी को भी। याद रखियो तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर अगर तू नहीं पहुंचा मेरे पास तो याद रखियो तेरा ना तो चौप मिलेगा और ना ही गाड़ी मिलेगी। अरे पर भाई तू है कौन भाई, क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो बहुत पहले की है, वो सब मैं तेरे को बताऊंगा, पहले तू मेरे अड्डे पे आ, इसी फोन पे एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, 2 घंटे है तेरे पास सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए, याद रखियो। अरे क्या हुआ फ्रैंकल भैया? अबे सिंचन इसने तो
कॉल काट दी सिंचन, मेरे को जो डर लग रहा था ना वही डर सिंचन पॉसिबल हो गया। देख सिंचन भाई कोई किडनैपर है जिसने सिंचन अपने चॉप को भी किडनैप कर लिया और साथ ही साथ में सिंचन अपनी गाड़ी को भी किडनैप कर लिया भाई। अरे क्या गाड़ी को भी उठा लिया? हाँ सिंचन, वो सिंचन उस गाड़ी को जब ही लौटाएगा जब सिंचन मैं उसको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। अब सिंचन 20 लाख रुपए कहाँ से लाए? और सिंचन भाई उसने मेरे को टाइम भी दिया है, सिंचन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 घंटे है, 2 घंटे के अंदर सिंचन में 20 लाख को तो इंतजाम कर नहीं पाऊंगा। एक काम कर सिंचन तू लेके चल भाई, उसने मेरे फोन पे लोकेशन भी भेजी है। अरे पर फिंगल पे ऐसे कैसे जा रहे हो? सिंचन जाना पड़ेगा भाई, अपने चॉप को सिंचन बचाना है, कुछ भी करके निकलते हैं सिंचन फटाफट से उसकी लोकेशन पे। हम भी तो देखे सिंचन किसमें इतनी हिम्मत आ गई सिंचन जिसने हमारे चॉप को उठा लिया और साथ के साथ सिंचन उस लग्जरी कार को भी उठा लिया। अरे जी याद रखना फ्रेंगल भैया, अगर हमारे चॉप पे बिल्कुल भी खरोच आई ना तो छोड़ेंगे नहीं उसको। अबे सिंचन उसने हमारे चॉप को पकड़ा तो पकड़ा कैसे सिंचन, छोड़ने तो मैं उसको अब भी नहीं वाला। और सिंचन उसने मुझसे ये भी बोलता कि सिंचन उसकी मेड से काफी पुरानी दुश्मनी है, तो चल के चेक करते हैं सिंचन कौन बंदा है जिसकी मेड से काफी पुरानी दुश्मनी है। तो गाइस अभी हम अपनी लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं लेकिन सिंचन मुझे लग नहीं रहा भाई उनका अड्डा ये होगा। अरे पर उन्होंने तो यही लोकेशन भेजी है ना। लेकिन सिंचन तू ये चेक कर भाई, ये तो प्रॉपर एक गाँव है ना सिंचन, वो उनका अड्डा यहाँ पे तो सिंचन हो ही नहीं सकता। अरे बगल में देखो एक बार। अबे सिंचन ये तो गाय का तबेला, लेकिन एक सेकंड सिंचन अंदर भाई मेरे को काफी सारे लोग नजर आ रहे हैं। रुक सिंचन अभी बात करता हूँ इनसे। अरे पर इनके पास तो गन ही नहीं है। आ गया भाई आ गया, वो आ गया, बॉस को बुला। अबे पहले मेरी बात सुन तू फटाफट से, मेरा चॉप कहाँ है पहले बता। अरे सब मिल जाएगा, चॉप मिल जाएगा, तेरी गाड़ी मिल जाएगी, पैसे गाड़ी में है ना फुल टू फुल? पैसे तो गाड़ी में है। अरे कहाँ है पैसे? सिंचन चुप हो जा थोड़ी देर। हाँ भाई पैसे गाड़ी में, पूरे 20 लाख। ठीक है तो मेरी बात सुन, सामने की तरफ जा और एक तुझे अजीब सा घर दिखाई देगा, बस उसमें चले जा, बॉस तुझे वहां मिलेंगे। ठीक है जा। हमारे पास गन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हमारे पास गन होती ना तो तू हमारे गन मार देता। ले गन तो तेरे अभी भी मार दूंगा। अरे बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। ओए ये तूने बहुत गलत करा, ये तुझे भारी पड़ेगा। रुकियो सिंचन, पहले इसे कुछ भारी दे दू। अरे हाँ यार ये ज्यादा ही बोल रहा है। हाँ तो बोल क्या रहा है तू? मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने जो करा सही करा। आ गया ना अपनी लाइन पे, आ सिंचन बैठ। अरे पर कौन से घर में जाना है? सिंचन इसने बोला सामने की तरफ जाना है, हमको कोई भूतिया घर मतलब कोई अजीब सा घर है। अरे पर गायों को देख के यार, गायों को मत ठोक देना। सिंचन गायों को क्यों ठोकूंगा भाई, एकदम आराम से जाएंगे आगे की तरफ। तुझे कोई घर दिखाई दे रहा है सामने? अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये है क्या सिंचन, ये जो तुझे दिखाई दे रहा है? अरे पता नहीं ये क्या है यार, ये घर थोड़ना है। पता नहीं सिंचन उस बंदे ने क्या ही बताया भाई। रुक सिंचन बोल रहा भाई, ये घर मेरे को दिखाई दे गया। कहाँ है घर यार, मुझे तो कोई घर ही नहीं दिखाई दे रहा। वो तो रहा सिंचन, सामने की तरफ चेक कर, ये रहा सिंचन घर। अब चलता है सिंचन इसके अंदर। अरे इसके अंदर जाना है क्या? सिंचन तू यार एक काम कर, तू ना गाड़ी में रह या फिर मेरे पीछे पीछे, और याद रखियो मेरे पीछे रहियो, कहीं अपने आप से कहीं और मत चले जियो। लेट्स गो गाइस, घर के अंदर तो मैं घुस आया हूँ। अब चेक करते हैं है कहाँ वो बंदा। गाइस यहाँ पर चेक करो भाई, गैस पे गाइस खाना पीना बन रहा है, इसका मतलब सिंचन बंदे तो अंदर ही है। और बारिश गाइस काफी ज्यादा हो रही है, तो भाई छत भी लीक हो रही है इनकी। तो पता नहीं सिंचन कहाँ है। हेलो भाई कहाँ है भाई, किडनैपर तेरे 20 लाख रुपए लेके आ गया। आज सिंचन देखियो इनको मजा चकाऊंगा, इनकी हिम्मत कैसे हुई भाई। अभी एक सेकंड, ये कहाँ जा रहे हैं यार, ये तो बेसमेंट का रास्ता है। अच्छा तो मतलब घर के अंदर बेसमेंट भी बना रखा है। छी गाइस कितनी गंदी बदबू आ रही है भाई, ये क्या है? यहाँ पर तो गाइस केमिकल ही केमिकल है भाई, पूरे में गाइस केमिकल भर रखा है। लेकिन सिंचन कोई दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। अरे यहाँ मतलब फ्रेंगल भाई बहुत गंदी स्मेल है और साथ में मुझे डर भी लग रहा है, कहीं फ्रेंगल भाई उसका प्लान तो नहीं। हम देखो दोनों घर के अंदर घुस गए, अब वो इस घर को ब्लास्ट करवा दे तो हम दोनों तो यार यहीं पे जल के खाक हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सिंचन, डर मत भाई, तू मेरे साथ है ना। यार घूम फिर के मैं तो दोबारा यार उसी किचन में आ गया छोटी सी। चलो गाइस एक काम करते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता ढूंढते हैं। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है सिंचन कि मैं इस घर के अंदर पहले भी आ रखा हूँ? घर की हालत गाइस काफी खराब हो रखी है, मतलब कोई रात में आएगा ना तो पूरे का पूरा डर ही जाएगा। ये लो भाई अंदर चल के चेक करते हैं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। लगता है फ्रैंकल घर के अंदर घुस गया। अरे बॉस वो आ गया, बॉस ऊपर वाले फ्लोर पे भी आ गया। आओ तो मेरे पीछे पीछे आओ, देखू तो सही आ गया क्या, पहले खिड़की से देखू, दिखाई तो दे नहीं रहा। आओ मेरे, चलो जल्दी आओ। अबे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्रैंकल पहचान लिया क्या मुझे? याद रखियो बेटे, वीर से एक एक बदला लूंगा, एक एक बदला। अरे पर कौन से बदला है फ्रैंकल भाई, कौन है ये? सिंचन भाई ये मेरा काफी पुराना दोस्त है स्कूल टाइम का भाई, तू किडनैपर बन गया क्या? अरे किडनैपर गुंडा सब बन चुका, और फ्रैंकल एक एक करके सारा बदला लूंगा। पहले तो तू ये बता भाई कौन सा बदला, कैसा बदला? फ्रैंकल अभी तेरी खोपड़ी उड़ा दू। उड़ा हिम्मत है, उड़ा गोली, इसकी खोपड़ी उड़ा दे। अरे देखना फ्रैंकल भाई, याद रखियो बेटे अगर तूने सिंचन पे गन चलाई ना तेरी जिंदगी की सबसे
बड़ी गलती होगी है फ्रैंकिल, मेरे से देख तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अभी तो तू कुछ कह रहा था। अरे मेरे कहने का मतलब यह है, तूने स्कूल टाइम पे भाई मुझे बहुत पिटवाया सर और मैम से, बस वो ही बदला लेना था तेरे से। अबे चुपचाप से भाई ये सब छोड़, पता नहीं क्या ड्रामे कर रहा है, चौपर सिंचन को दे पहले 20 लाख। अबे क्या बात कर रहा है, कौन से 20 लाख? फ्रैंकिल 20 लाख रुपए दे दे वरना भाई मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अबे भाई रुक जा मेरे पास भी गन है। अच्छा तेरे पास गन है, अरे ये ले भाई बहुत बढ़िया, मेरे ऊपर गन चला रहा है। अरे तुमने बॉस पे गन चलाई? हाँ बॉस पे गन चलाई क्योंकि बॉस भी मेरे ऊपर चला रहा था। अरे भाई इसके चेले तो मारिन ले। बेटे चेले तुमको बता रहा हूँ, अगर तुमने मेरे ऊपर गन चलाई तो तुम्हें मैं यही मार दूंगा, इसलिए तो गन नहीं चला रहे। अब हम क्या करे? अब तुम कुछ मत करो, चौप और उस कार का पता बता दो क्योंकि तुम्हारा बॉस को तो मैंने लिटा दिया। अच्छा देखो सामने की तरफ जाओ। रुक पहले मैं तेरी बात क्यों मानू, तू एक काम कर तू ही मेरे साथ चल। अरे हाँ फ्रैंकिल भाई तुमने सही करा है, वरना हम आगे जाते और पीछे से गन मार देता। अरे हम डर लगता है, हम आपको गन नहीं मारेंगे। देखो मेरा जो चेला है वो भी हाथ खड़े कर लिए। आप एक काम करो हमारे पीछे पीछे आओ, पर आप गोली मत मारना हमारे, ठीक है? हमें मौत से बहुत डर लगता है। अरे वाह फ्रैंकिल भाई इसके चेले कितने सस्ते हैं, यही से बता देता हूँ ना। देखो जल्दी आओ। अरे क्या नाम है इनका? सिंचन। जब ये अपने बॉस के नहीं हुए तो सिंचन ये हमारे क्या होंगे? मैं क्या सोच रहा हूँ सिंचन भाई इनको मारना ही ठीक रहेगा, क्योंकि सिंचन मुझे पता है भाई पीछे से ये जरूर हमला करेंगे। बढ़िया, माफ कर दो जी, हमने कुछ नहीं करा। देख भाई तू पहले मेरे को सच सच बता, गाड़ी का सामने की तरफ जाओगे तो टंकी है, और टंकी के अंदर तुम्हारा चौप भी और साथ में वो भी है, तुम्हारी गाड़ी भी। अच्छा गाड़ी भी है, लेकिन इसे क्या हो गया? होए खड़ा हो सिंचन, इसे क्या हो गया? अरे लगता है फ्रैंकिल भाई ये हो गया बेहोश। सिंचन टंकी सामने की तरफ। भैया बहुत बड़ी टंकी है, वो सामने जाओगे बहुत बड़ी टंकी, उस टंकी के अंदर रखा है तुम्हारा वो क्या नाम है, ये ले पहले तेरी उस पे मार दूंगा ना। नहीं भैया ऐसा ना करो भैया, कहीं गन वन मत चलाना। चल छोड़ सिंचन, ये अकेला क्या ही कर लेगा। इसका दोस्त सिंचन बेहोश हो गया। अरे पर नीचे फ्रैंकिल भाई बहुत सारे किडनैपर है। सिंचन मेरे पीछे पीछे ही रही हो भाई तो, क्योंकि गाइस मुझे पता है भाई पीछे से ये जरूर हमला करेंगे। कभी भी गाइस कहीं से भी गोली आ सकती है। सिंचन के बच्चे किधर है तू? अरे आ रहा हूं यार, मेरी फिक्र मत करो, ये सिंचन का बच्चा जरूर गाइस मेरे को एक ना एक दिन फंसवा ही देगा, पता नहीं क्यों ही पीछे रहता है। मेरी गाड़ी कहां गई भाई? जिस गाड़ी से मैं आया था वो तो दिखाई नहीं दे रही। अबे यार गाड़ी कहां खड़ी करी थी मैंने भाई, मैं तो यही भूल गया। अबे सिंचन के बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? अरे फ्रैंकिल भाई तुम तो ऊपर से कूद के आए, मैं देखो एकदम मस्त गेट से आया हूं। सिंचन के बच्चे बिल्कुल डर नहीं लगता तेरे को भाई, मतलब तेरे हाथ में गन भी नहीं है, उसके बावजूद सिंचन तू गेट से आ रहा है। अबे यार क्या हो गया इस गाड़ी को, सिंचन कहां टकरी है? अरे यार जल्दी बिठाओ ना, मेरे को वैसे ही ठंड लग रही है, एक तो बारिश इतनी तेज होगी। सिंचन तुझे क्या लगता है जो उन किडनैपरों ने हमको पता बताया वो सही बताया? उस टंकी के अंदर सिंचन हमको अपना चौप और वो गाड़ी मिलेगी? अरे जरूर मिलेगी, मुझे तो लगता है यार जरूर मिलेगी, क्योंकि फ्रैंकिल भैया जैसे तुमने उसकी बॉस पे गन चलाई ना तो तुरंत फ्रैंकिल भैया वो डर गए। हाँ ये तो तुम सिंचन सही कह रहा है, सामने की तरफ टंकी बताई थी सिंचन, कोई टंकी मेरे को दिखाई नहीं दे रही भाई दूर दूर तक। अरे ये बात तो तुम सही कह रहे हो सिंचन, टंकी नहीं दिखाई दे रही। अरे पहले उसी घर पे चलो, फिर मैं डिसाइड करता हूँ आखिरकार सामने कहाँ होता है। सिंचन ये रहा वो घर सामने, और सिंचन उसने यही कहीं से इशारा करा था सामने की तरफ, वो रही सिंचन, मिल गई भाई टंकी। देख रहा है सिंचन हम भी गलत साइड जा रहे थे, ये है सिंचन वो टंकी, अब इसके अंदर जाना होगा। अरे इसके अंदर पानी भरा है क्या? नहीं सिंचन पानी नहीं होगा भाई, अगर पानी होता तो सिंचन अपना चौप डूब नहीं जाता, और गाड़ी अगर पानी के अंदर गई तो सिंचन वो भी खराब हो जाएगी। अरे चौप के बच्चे कहाँ है तू? अबे बात सब खुले कहाँ से आ रही है? अबे बात सब खुले आ गया तू, कब से बात सब वेट कर रहा हूँ तेरा। अबे चौप भाई मैं तो काफी डर ही गया था, वो तो अच्छी बात है गाइस अपनी गाड़ी भी एकदम सेफ है, और साथ में यार ये बाइक भी सेफ है। सिंचन तू कहाँ है? अरे आ तो गया मैं भी फ्रैंकिल भैया ऊपर से। अबे बात सब तुझे पता है बात सब खुले क्या हुआ? मैं खड़ा था बात सब खुले बाहर, ऊपर से बात सब आए मेरे मुंह पे, पता नहीं कौन सी कंबल वंबल डाल, और बात सब ले आए मुझे यहाँ पे, और साथ में बात सब ये गाड़ी भी ले आए। लेकिन चौप गाड़ी भाई उन्होंने अंदर डाली कैसे? अबे बात सब हेलीकॉप्टर से अंदर डाला बात सब मुझे और गाड़ी को, मैं तो बात सब बाहर निकल ही नहीं पाया। अबे सीढ़ियां, अच्छा तू तो भाई सीढ़ियों पे चढ़ ही नहीं सकता ना, सीढ़ियों पे तो सिर्फ इंसान चढ़ सकता है, अब सिंचन इस गाड़ी को बाहर कैसे निकाले? अरे निकालना पड़ेगा यार, ये कह रहा है हेलीकॉप्टर से इस टंकी के अंदर डाले थे यार इस गाड़ी को, तो हमको भी हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। अबे ले सिंचन इतना लंबा प्रोसेस, और सिंचन मेरे को तो भाई डर भी लग रहा है कहीं सिंचन भाई सिमियन का कॉल ना आ जाए कि भाई अब तक डिलीवरी करी या फिर नहीं करी। अरे हाँ यार सही कह रहे हो गाइस, अब तो भाई काफी मुसीबत आ गई। ये जो गाड़ी आप देख रहे हो ना गाइस, ये भी भाई हम उस लग्जरी घर के अंदर से लाए थे, जो नीचे ग्रीन कलर की कार खड़ी है, और साथ में सिंचन बाइक भी लाए थे। अरे पर बाइक तो यार घर के बाहर ही छोड़ दी थी ना। हाँ सिंचन बाइक तो घर के बाहर थी, अब सिंचन इस गाड़ी को लेके जाने, और साथ में सिंचन अपनी उस भाई लग्जरी गाड़ी को भी लेके जाने, जो सिंचन कलर चेंज करते हैं। इन दोनों को गाइस फटाफट से उस लग्जरी हाउस पे पहुंचाना होगा, जिससे ये गाइस हमारा मिशन सक्सेसफुल हो और लास्ट हमको काफी सारे पैसे दे दे। अरे सिंचन मेरे पास एक काफी कमाल का आइडिया है। अरे कौन सा कमाल का? सिंचन भाई हमको कोई हेलीकॉप्टर बुलाने की जरूरत नहीं है, सिंचन उस कार को बाहर निकालने के लिए। सिंचन उस कार के अंदर भाई बूस्टर है, अब देख सिंचन भाई उस बूस्टर की हेल्प से सिंचन इस कार को कैसे बाहर निकालता हूँ। अबे बात है पुलवे मुझे छोड़ के जा रहा है क्या? अबे चाप के बच्चे तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ? लेट्स गो गाइस, अब मैं
आपको कमाल दिखाता हूँ। इस टंकी के अंदर से गैस बूस्टर की हेल्प से इस गाड़ी को बाहर निकालेंगे। अब बात अब करके रहे ये चौप के बच्चे, तो देख भाई गाड़ी बाहर निकाली, बच गई भाई गाड़ी बच गई। वैसे भी गैस ये गाड़ी तो काफी ओपी है और काफी एक्सपेंसिव भी है। गैस आपने तो देखा ही था भाई ये गाड़ी के भाई कांच टूट गए थे, तो भाई ऑटोमेटिक कांच भी सही हो गए, तो इसका मतलब गाड़ी में कुछ होना नहीं चाहिए। और एक बार चेक करो गैस, एक भी स्क्रैच नहीं है भाई गाड़ी के अंदर। और उस टंकी के अंदर से सेफली गैस ये गाड़ी मैंने बाहर निकाल ली। तो ठीक है सिंचन भाई, काफी प्यार से चला के लियो इस कार को। अरे तुम टेंशन मतलब फ्रेंकल भाई, बेफिक्र रहो यार, कार को एकदम ओपी तरीके से चला के लाऊंगा। अब बात सबको ले फटाफट से घर की तरफ निकल, वैसे बात सब काफी लेट हो गए। चलो भाई सिंचन को मैंने गाड़ी तो दे दी, लेकिन भाई मेरे को थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कहीं सिंचन का एक्सीडेंट ना हो जाए। अब बात सब ऐसा मत सोच बात सब, वरना तो वो गाड़ी को बात सब चीड़ पाड़ कर देगा। मुझे तो पता ही है भाई सब वो हैवी ड्राइवर। हाँ ये बात तो है, सिंचन जब भी गाड़ी चलाता है काफी तेजी चलाता है। और गैस भाई ठोक वोक ना दे, बस मेरे को तो इसी बात का डर है। लेकिन गैस ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए, निकलते गैस फटाफट से घर की तरफ। ये कहाँ गई चौप के बच्चे? अब बात सब तू है बल्कि हैवी ड्राइवर, बात सब देखियो कहाँ लेके आ गया गाड़ी को। अरे भाई अच्छी बात तो ये गाड़ी काफी ओपी है, इस गाड़ी में कहीं भी भाई स्क्रैच वगैरह आते नहीं है। वरना तो गैस ये जहिस तरीके से इस जंगल के अंदर आई है ना, अब तक तो गैस काफी स्क्रैच आते और साथ के साथ इसका कांच वांच सब फूट जाता। बस गैस अभी मेरे को इस बात का डर है कि गैस जब हम घर पे पहुंचे तो गैस उस घर का मालिक भाई ये ना बोले कि कार की डिलीवरी काफी लेट हुई है। और गैस अगर सिमियन को पता लगे ना कि गैस हमने कार की डिलीवरी काफी लेट करी है, तो पक्का गैस सिमियन का बच्चा पैसे काफी कम ही देगा। तो गैस अभी हम उस लग्जरी हाउस पे तो दोबारा से पहुंच चुके हैं चौपर में, और चौप हम तो काफी जल्दी पहुंच गए, फुल तेज चला खिलाए। अब बात को ले ये चेक कर ये क्या हो रहा है। अबे सिंचन हमसे पहले पहुंच गया क्या? अरे फ्रेंगल भैया जल्दी आओ यार, खुशखबरी है। अबे सिंचन ये बॉडीगार्ड यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे फ्रेंगल भैया यहाँ पर इस घर का मालिक भी है। घर का मालिक कौन है भाई? सारे बॉडीगार्ड लग रहे हैं। बच्चे आओ, मुझे बच्चे तेरे बारे में सब पता लगा। सिंचन ये घर के ओनर है क्या? और क्या फ्रेंगल भैया यही घर का मालिक है? वाओ यार वैसे लग नहीं रहा गाइस। बच्चे जो मैंने गाड़ी ऑर्डर करी थी ये गाड़ी लॉस सैंटोस में काफी यूनिक कार है, इसका कलर भी चेंज होता है। और तुझे पता है कुछ गुंडों का मेरे पास सुबह कॉल आया था, और उन्होंने बताया कि जो भी डिलीवरी बॉय इस गाड़ी को लेके आ रहा है ना डिलीवर करने के लिए मेरे घर पे, उन्होंने उस गाड़ी को चुरा लिया है। तो मुझे तो लगा था अभी ये गाड़ी मुझे कभी जिंदगी में मिल ही नहीं पाएगी, लेकिन बच्चे दाद देनी पड़ेगी तेरी भादरी को। जैसे ये छोटा बच्चा घर पे पहुंचा, इसने मुझे बताया किस तरीके से तुम गए और उन गुंडों को हराया और साथ में ये गाड़ी लेके आए। अब बात अब एक बार चेक कर ले बैठ के, बात अब एक भी स्क्रैच नहीं है। अरे कुत्ता भी काफी अच्छा है। अरे हाँ सर काफी अच्छा, ये तो मेरी तरफ से तुमको छोटा सा एक इनाम, मैं तुमको एक 50 लाख का एक चेक देने वाला हूँ। क्या 50 लाख? हाँ जी 50 लाख का चेक लीजिए और फिर अपने घर जाइए और काफी एंजॉय करिए। अरे वाह सिंचन आज तो मजे ही आ गए भाई, पूरी 50 लाख की टिप मिल गई भाई, यही तो फायदा है गाइस डिलीवरी बॉय का। गाइस यार जब भी हम लग्जरी घर पे जाते ना तो पक्का गाइस उस घर का मालिक हमको टिप देता है, लेकिन आज तक गाइस किसी ने भी भाई हमको इतनी बड़ी टिप नहीं दी। आज तो गाइस डायरेक्ट 50 लाख रुपए मिल गए। अबे बात सबको ले फिर तो आज तो पार्टी है, और क्या चाहो पार्टी वार्टी सभी करेंगे। वैसे सर एक बात बताओ ये गाड़ी आखिरकार है कितने की जिसे हम आपके पास लाए? तुम्हें नहीं पता? तुम इसको मेरे पास लाए और तुम्हें नहीं पता? हाँ जी सिमियन ने मेरे को बताया नहीं। ये गाड़ी बच्चों पूरे के पूरे 100 करोड़ की कार है। क्या 100 करोड़? सिंचन जब से हम भाई 100 करोड़ की कार चला रहे थे क्या? अब बात सब मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा। बिलीव तो भाई मेरे को भी नहीं हो रहा, लेकिन सर चेक चेक बच्चों अंदर जाके ले लो। बढ़िया गैस ये हुई ना बात, आज तो सच में मजे ही आ गए गैस, पूरे 50 लाख का चेक मिलने वाला है आज सिंचन भाई। और गैस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गैस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई तो है यार, फटाफट गैस अभी के भी इस वीडियो को लाइक कर दो और गैस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और गैस यार बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं गैस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब लिए गैस प्यार वाला बाय।